नमस्कार दोस्तों एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों क्लास टेंथ में हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा प्रायिकता चैप्टर और प्रायिकता में अब तक हमने जो है दो टाइप के क्वेश्चंस करने सीख लिए थे पहले हमने सीखा था सिक्के को उछालना कि सिक्के को जब उछालते हैं एक बार दो बार तीन बार तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो तब हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ताश के पत्तों के बारे में जहाँ पर आपको ताश की एक अच्छे से फेंटी हुई गड्डी दी गई है यानी फेंटी हुई का मतलब है कि उसको अच्छे से इस तरह से फेंटा गया है कि अब आप आपको नहीं पता कि दो नंबर पर तीन नंबर पर कौन सा पत्ता है और आप उनमें से एक पत्ता निकालते हैं और उस एक पत्ते की हुक्म के बादशाह आने की या हुक्म के बेगम आने की या हुक्म के गुलाम आने की प्रायिकता बताइए या फिर क्या पूछा जाता है आपसे कि लाल रंग के बेगम के पत्ते आने की प्रायिकता बताइए तो दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में अच्छे से हमें एनालसिस करके पता होना चाहिए कि कितने लाल पत्ते होते, होते हैं कितने काले पत्ते होते हैं कितने जो है चिड़ी के पत्ते होते हैं कितने ईंट के पत्ते होते हैं तो इन सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले ताश की गड्डी के बारे में जानते हैं कि ताश की गड्डी में कितने टोटल पत्ते होते हैं तो दोस्तों जब भी हमसे पूछ लिया जाए ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो उनमें से जब हमसे पूछा जाए कि कुल संभावित परिणाम कितने होंगे तो दोस्तों जोकर को निकाल दिया जाए तो ताश की गड्डी में टोटल बावन पत्ते होते हैं तो जब भी क्वेश्चन आ जाए ताश की गड्डी से रिलेटेड तो वहाँ पर कुल संभावित परिणाम क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है तो प्रायिकता हमारे पास क्या होती है फॉर्मूला हमें पता होता है कि ऊपर तो क्या आते हैं अनुकूल परिणाम यानी जो हमें घटना दी गई है उसके अनुकूल परिणाम क्या आते हैं और नीचे आते हैं कुल संभावित परिणाम तो सिंपल सी बात है कि जब भी ताश की बात होगी तो कुल संभावित परिणाम हमेशा क्या रहेंगे दोस्तों हमेशा कुल संभावित परिणाम बावन रहेंगे तो आपको याद रखना है जब भी ताश से रिलेटेड Uh, कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कुल संभावित परिणाम की जगह आपने क्या लिखना है बावन लिखना है क्योंकि अगर कोई पत्ता निकाला जाता है तो उसकी संभावनाएं क्या है कि बावन संभावनाएं हैं यानी बावन पत्तों में से कोई भी एक पत्ता आ सकता है अब दोस्तों ये जो बावन पत्ते हैं इन बावन पत्तों को दो रंगों में विभाजित किया जाता है यानी दो रंग होते हैं उनमें एक तो होते हैं काले रंग के पत्ते और एक होते हैं दोस्तों लाल रंग के पत्ते yeah अब आधे आधे होते हैं बावन का आधा गया तो छब्बीस ही तो होते हैं काले रंग के पत्ते और छब्बीस ही होते हैं लाल रंग के पत्ते तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे छब्बीस क्या हो गए अनुकूल परिणाम और बावन क्या हो गए कुल परिणाम तो वहाँ पर क्या होगी लाल पत्ते के आने की संभावना क्या हो जाएगी सॉरी प्रायिकता क्या हो जाएगी छब्बीस बटे बावन हो जाएगी चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गए उसके बाद दोस्तों आगे जो है काले पत्ते भी जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं और लाल पत्ते भी जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं अब 26 को तो भी हमने दो प्रकारों में बांटना है तो ये भी तेरह होंगे ये भी तेरह होंगे यहाँ भी तेरह पत्ते और यहाँ भी तेरह पत्ते यानी तेरह अलग अलग पत्ते होते हैं अलग अलग प्रकार के और वो जो प्रकार होते हैं दोस्तों दोस्तों वहाँ पर उनके अलग अलग सिंबल दिखाए होते हैं जैसे अगर हम लाल कलर की बात करें तो लाल कलर में तेरा होते हैं ईंट के पत्ते इस तरह का एक निशान होता है हालांकि हम इसको लाल कलर से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये होते हैं दोस्तों ईंट के पत्ते और ईंट के पत्ते कितने होते हैं एक ताश की गड्डी में दोस्तों ईंट के पत्ते जो हैं एक ताश की गड्डी में टोटल तेरह होते हैं इसी तरह से ईंट के पत्तों की तरह ही दोस्तों एक और प्रकार का पत्ता होता है दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम पान का पत्ता कहते हैं और पान का जो निशान होता है दोस्तों वो लगभग इस तरह से होता है आपने अगर ताश की गड्डियाँ देखी होंगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा जैसे आपके सामने अभी स्क्रीन पर जो है वो ईंट का पत्ता दिया गया है तो ईंट के जो पत्ते होते हैं वो वहाँ पर जो है लाल कलर के होते हैं आपको दिखाई दे रहा है और तेरह कौन कौन से पत्ते होते हैं वो हम अभी देखेंगे लेकिन फिलहाल आपको देखना है कि ईंट का सिंबल कौन सा होता है उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पान का जो पत्ता होता है वो वो भी क्या होता है लाल कलर का होता है और लाल कलर का जो पान का निशान है वो भी कुछ इस तरीके का होता है चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो तेरह पत्ते होते हैं इसी तरीके से अगर ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर के पत्ते भी दो प्रकार के होते हैं एक तो पत्ते होते हैं दोस्तों हुक्म के पत्ते होते हैं तो हुक्म के पत्तों पर ये निशान होता है ब्लैक कलर से और दोस्तों एक होते हैं चीड़ी के पत्ते और चीड़ी के पत्तों का जो निशान होता है वो लगभग इस तरीके का होता है तो ये होते हैं चीड़ी के पत्ते तो इनमें आपको लिखना है कि ये तो निशान है किसका हुक्म का निशान है ये है दोस्तों चिड़ी का निशान है ये जो दोस्तों ये है ईंट का निशान है यानी इसको ईंट का पत्ता बोलते हैं और ये जो है इसको पान का पत्ता बोलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ताश के पत्तों में चार प्रकार के पत्ते होते हैं कलर दो होते हैं काला और लाल लेकिन पत्ते जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं दो प्रकार के हुक्म और चिड़ी के पत्ते काले रंग के होते हैं और ईंट और पान के जो पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं ये आपको समझ आ गया ये भी तेरह पत्ते होते हैं और ये भी तेरह पत्ते होते हैं अब तेरह पत्ते कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों सभी में जो है हुक्म में अगर बात करें तो पहला हुक्म का इक्का होगा फिर दुक्की होगी फिर उसके बाद जो है, इस तरह से काउंटिंग जो है वो चलती जाती है आठ नौ और दस तक जो है ये काउंटिंग होती है उसके बाद दोस्तों दस पत्ते तो हो गए ये uh, उसके बाद तीन पत्ते हमारे जो है किंग क्वीन और ये जो है दोस्तों नेक्स्ट जो तीसरा है दोस्तों जिसको आप जो है आसान भाषा में जैकी भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है गुलाम होता है किंग कौन होता है दोस्तों इसको जो है बादशाह कहते हैं तो ये बादशाह का पत्ता होता है ये जो है ये होता है इक्का उसके बाद ये तो आपको पता है चौकी पान जो है पंजी ये तो आपको पता है उसके बाद क्वीन का मतलब क्या होता है दोस्तों क्वीन का मतलब होता है बादशाह की जो बेगम होती है यानी बेगम उसके बाद जैत जो होता है वो किसको शो करता है दोस्तों गुलाम को शो करता है यानी यहाँ पर तीन जने होते हैं एक तो बादशाह होता है एक बेगम होती है और एक इनका गुलाम होता है तो ये तेरह पत्ते हुक्म के होते हैं यही तेरह पत्ते चिड़ी के भी होते हैं यही तेरह पत्ते ईंट में भी होते हैं और यही तेरह पत्ते पान में भी होते हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल बादशाह कितने होंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए मेनली तो है जो इक्का पूछा जाता है इक्का पूछ लिया जाए या आपसे बादशाह पूछ लिया जाए किंग पूछ लिया जाए या आपसे क्वीन पूछ लिया जाए यानी बेगम पूछ ली जाए या फिर आपको जो है जय यानी ग़ुलाम पूछ लिया जाए तो इनका हम एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये भी अगर पूछ लिया जाए तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल बादशाह कितने होंगे तो एक तो हुक्म का बादशाह एक चिड़ी का बादशाह एक कीट का बादशाह और एक पान का बादशाह तो वैसे टोटल तो चार ही तो इक्के होते हैं चार ही बादशाह होते हैं चार ही बेगम होती है और चार ही ग़ुलाम होते हैं क्योंकि हर एक प्रकार में तेरह तेरह पत्ते ये होते ही हैं यानी हुक्म में भी ये तेरह पत्ते होंगे चिड़ी में भी ये तेरह पत्ते होंगे चिड़ी के निशान के साथ ईंट में ईंट के निशान के साथ ये तेरह पत्ते होंगे और पान में पान के निशान के साथ ये तेरह पत्ते होंगे ये चीज हमें क्लियर हो गई अब यहाँ पर भी इक्का है यहाँ पर भी इक्का होगा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा तो टोटल तो इक्के तो क्या हो गए दोस्तों टोटल इक्के तो चार हो गए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल रंग के इक्के अगर टोटल की बात कर ली जाए तो टोटल इक्के चार टोटल बादशाह भी चार टोटल बेगम भी चार टोटल तो, गुलाम भी चार अगर आपसे पूछ लिया जाए लाल रंग का इक्का तो दोस्तों लाल रंग के इक्के इसका इक्का लाल रंग का नहीं होगा इसका इक्का लाल रंग का नहीं होगा इसका, हो इसका और इसका यानी दो ही इक्के जो है वो लाल रंग के होंगे दो ही इक्के लाल रंग के होंगे वैसे ही अगर काले इक्के पूछ लिए जाए तो वो भी दो होंगे तो वैसे ही बादशाह भी क्या होंगे लाल कलर के और काले कलर के दो दो होंगे तो ये सारे लाल और काले कलर के दो होंगे अगर आपसे स्पेशल किसी का नाम देकर के पूछ लिया जाए कि चिड़ी में बादशाह कितने होंगे तो सिंपल सी बात है कि चिड़ी में तो तेरह ही पत्ते हैं और उन तेरह पत्तों में एक ही बादशाह है तो अगर आपसे चिड़ी का पूछ लिया जाए या फिर कोई एक पूछ लिया जाए कोई एक यानी ईंट का पत्ता या आपसे पूछ लिया जाए पान की बेगम बताइए या आपसे पूछ लिया जाए कि हुक्म का पत्ता बताइए जो कि क्या हो बेगम हो तो सिंपल सी बात है कि इन चारों में से अगर कोई एक दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि पान के अंदर कितने बादशाह होंगे या पान के अंदर कितनी बेगम होगी तो वहां पर क्या हो होगा दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब पान की बात करेंगे तो पान में तो एक ही बार बादशाह आएगा पान में तो एक ही बार जो है गुलाम आएगा पान में तो एक ही बार बेगम आएगी तो यहाँ पर अगर आपसे चिड़ी या कुछ भी पूछ लिया जाए तो वहाँ पर ये सारे पत्ते क्या होंगे एक एक होंगे वैसे ही पान के भी एक एक होंगे वैसे ही क्या होगा चिड़ी के एक एक होंगे ईंट के भी एक एक होंगे और घूकम के भी क्या होंगे दोस्तों एक एक होंगे तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ताश के टोटल पत्ते बावन होते हैं यानी जब भी ताश का क्वेश्चन आए तो कुल संभावित परिणाम तो आंख बंद करके आप बावन लगा दीजिए उसके बाद आपसे जो भी चीज़ पूछी गई है तो उनको गिन करके या उनको जो है थोड़ा सा दिमाग में आप रख लीजिए और अगर आपने ताश कह लिया है फिर तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि बादशाह का पत्ता कौन सा होता है आपकी स्क्रीन पर है बादशाह का पत्ता और उसके बाद जो है आपकी स्क्रीन पर बेगम का पत्ता है जहाँ पर क्यू लिखा हुआ है और उसके बाद जो है आपके सामने है जो है गुलाम का पत्ता है जे ये आपको समझ आ गया कि बादशाह बेगम और गुलाम के पत्ते किस तरह से होते हैं लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमें ये पत्ते नहीं देगा हमें क्या लिखेगा सिर्फ लिख करके देगा कि लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता बताइए तो अब हम जो है ताश के गड्डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीन अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन लीजिए अदरवाइज अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए चलिए अब हमारी जो प्रश्नावली है उसमें से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के हम बात करते हैं जो कि ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ग्यारह हमें क्या कहता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी यानी गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है जिसमें नहीं पता कि कौन सा पत्ता कहाँ पर है अब इनमें से एक पत्ता निकाला गया है तो हमें प्रायिकता निकालनी है पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाल रंग के गुलाम के आने की प्रायिकता बताइए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें कुल संभावित परिणाम तो सिंपल सी बात है कि जब भी ताश के पत्तों की बात आए तो कुल संभावित परिणाम यानी अगर पत्ता तो तो टोटल संभावित परिणाम तो कितने होंगे दोस्तों बावन संभावनाएं होंगी बावन पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है अब उसमें से है कि लाल रंग के गुलाम आने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी लाल रंग के गुलाम अब गुलाम का मतलब होता है जे तो दोस्तों जे लाल रंग के जे कौन कौन से आ सकते हैं हो सकता है कि आपका जो है ईंट का जे आए इसके अलावा अगर आपका पान का जे आए तो वो भी क्या होगा आपका लाल रंग का होगा क्योंकि ईंट और जो पान है वो दोनों जो है क्या होते हैं लाल रंग के होते हैं तो लाल रंग के गुलाम के आने के अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी तो अनुकूल परिणाम अब लाल रंग का गुलाम यानी जे चाहिए तो लाल रंग के जे तो दो ही होते हैं पूरी ताश के गड्डी में तो दो ही होंगे तो यहाँ पर दो आ जाएगा तो दोस्तों अभिष्ट प्रायिकता क्या होती है तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अभिष्ट प्रायिकता जो होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि अभिष्ट प्रायिकता बराबर क्या होता है दोस्तों ऊपर तो होता है अनुकूल परिणाम और नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं सभी संभावित परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित परिणामों की संख्या कुल संभावित परिणामों की संख्या अब देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है दो और कुल परिणाम कितने हैं बावन तो छब्बीस होते हैं तो आप दो और बावन को काट दोगे तो कितना आ जाएगा एक बटे छब्बीस आ जाएगा और पहले का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों एक बट्टे छब्बीस आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा एक बट्टे छब्बीस अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाल रंग का पत्ता तो दोस्तों जब भी ताश की बात करें तो ताश में टोटल बावन पत्ते होते हैं तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों सिंपल सी बात है कि काले रंग के पत्ते भी छब्बीस होते हैं और लाल रंग के पत्ते भी छब्बीस होते हैं ये हम अभी अभी पढ़ करके आए हैं तो क्वेश्चन में जो है बस हम थोड़ा सा चेंज करेंगे आपको ये सब दोबारा से लिखना पड़ेगा हम यहाँ पर क्या लिखे हैंगे? कि लाल रंग के पत्ते के आने की लाल रंग के पत्ते के आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे दोस्तों छब्बीस होंगे क्योंकि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं छब्बीस ही लाल रंग के पत्ते होते हैं और छब्बीस ही हमारे काले रंग के पत्ते होते हैं तो अब अनुकूल परिणाम कितने हो गए छब्बीस और कुल परिणाम कितने हो गए बावन इनको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा एक बटे दो आ जाएगा तो बिल्कुल सही कि एक बटा दो होती है क्योंकि आधे काले होते हैं और आधे लाल रंग के पत्ते होते हैं ये हमने अच्छे से समझ लिया उसके बाद पान का इक्का आने की संभावना यानी पान के इक्के के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो पान में इक्के कितने होते हैं दोस्तों तो यहां पर क्या लिखना है पान के इक्के के आने की संभावना है है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन अब दोस्तों देखिए पान पान मतलब इस तरह का और पान में इक्के कितने होंगे दोस्तों हर एक में एक एक इक्का होता है तो पान में भी एक ही इक्का होगा तो इसमें जो है पान के It. के के आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों एक ही हो जाएगी क्योंकि पान में तो इक्का कितना होता है एक ही होता है टोटल चार इक्के होते हैं एक पान का होता है एक हुक्म का होता है एक चिड़ी का होता है एक ईंट का होता है तो बिल्कुल पान में एक ही होता है इस तरह से जो होता है तो इसलिए इसके अनुकूल परिणाम एक और कुल परिणाम क्या हो जाएंगे बावन तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा एक बटे बावन हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से जैसे पान का इक्का एक ही होता है वैसे ईंट की बेगम एक ही होती है तो ये आपका होमवर्क रहेगा आप क्या लिखेंगे कि ईंट में कितनी है ईंट के बेगम के आने के अनुकूल परिणाम एक ही होगी और ईंट में क्योंकि बेगम भी तो एक ही होती है बेगम का मतलब होता है क्यू क्वीन तो अब क्वीन भी तो सब में एक एक होती है हुक्म में भी एक होती है चिड़ी में भी एक होती है ईंट में भी एक होती है पान में भी एक होती है तो इस तरीके से एक होगी तो एक बटे बावन ही इसका उत्तर भी आ जाएगा तो ये आपका होमवर्क रहेगा बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पान के इक्के की जगह आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर पान के इक्के की जगह लिख देंगे आप ईंट की बेगम उसके आने के जो परिणाम होंगे वो भी एक ही होंगे उसके बाद दोस्तों हुकुम का पत्ता अब हुकुम क्या होता है दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो चार निशान होते हैं अलग-अलग उनके 13-13 पत्ते होते हैं तो हुकुम के कितने पत्ते होंगे दोस्तों हुकुम का जो निशान होता है वो इस तरह का होता है तो ये हुकुम है हुकुम में एक इक्का होता है उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 नौ दस पत्ते तो ये हो गए एक किंग हो गया एक क्वीन हो गया और एक गुलाम हो गया तो इस तरह से टोटल कितने पत्ते हो गए हुक्म के तेरह पत्ते होंगे तो हम जो है कुल संभावित परिणाम तो कितने हो जाएंगे हमारे बावन ही हो जाएंगे पांचवां जो है कुल संभावित परिणाम तो बावन हो जाएंगे और हुक्म के पत्ते हुक्म के पत्ते के आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों तेरह हो जाएंगे क्योंकि तेरह टोटल पत्ते होते हैं किसके हुक्म के तो इसके जो अनुकूल परिणाम है वो तेरह अपन में जो कुल परिणाम है बावन ये काटा तो तेरह चौके बावन होते हैं तो एक बटे चार उत्तर आ गया तो इसके जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा एक बटे चार हो जाएगा तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने है बस आपको जो हमने अभी टेबल करी थी उस टेबल का पता होना चाहिए कि किसमें कितने पत्ते होते हैं और अगर आप लोग ताश खेलते हैं तो ये तो आपका चुटकियों का खेल है अगर आपने ताश नहीं भी खेली है तो एक बार आपके मित्र के पास या किसी के पास भी अगर ताश है तो आप उसको देखिएगा ज़रूर जोकर के पत्ते निकाल दीजिएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा ईंट के सारे पत्ते अलग कीजिएगा पान के अलग कीजिएगा हुक्म के अलग कीजिएगा कहीं ना कहीं आपको ताश कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी तो उसको ध्यान से गौर से देखिएगा कि कितने कितने पत्ते होते हैं किस किस में होते हैं और किस किस को क्या क्या कहते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को डाउट बहुत होता है उनको ये नहीं पता होता कि का पत्ता कौन सा होता है, पान का पत्ता कौन सा होता है तो यह आपको पता होने चाहिए ठीक है तो आप इसके लिए ताश देख सकते हैं और इसके अलावा आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखें, इनके नंबर्स को ध्यान में रखें तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन उसके बाद इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गेंदों से रिलेटेड क्वेश्चन यानी बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन वो बोल देगा कि आपके पास जो है एक थैला है और उस थैले में आपने लाल जो है लाल गेंदे डाल दी कुछ और कुछ पीली गेंदे डाल दी कुछ काली गेंदे जो है डाल दी तो अब आप बताइए कि उसमें से काल जो है हाथ डाल करके यादरिच्छा यादृा का मतलब हमें नहीं पता कि हमारा हाथ किस बॉल पर जा रहा है यादृच्छा एक बॉल निकाली तो उस बॉल के लाल आने की प्रयिकता ज्ञात कीजिए तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह के क्वेश्चन है इसके अलावा पेन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि आपके पास जो है अच्छे पेन है कुछ कुछ खराब पेन है और आपने क्या कर दिया उस, उनको मिक्स कर दिया और एक थैले में डाल दिया और उस थैले में हाथ डाल करके एक पेन निकाले तो उसके खराब आने की प्रायिकता या अच्छे होने की प्रायिकता तो वही अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणामों की संख्या हम करेंगे तो चलिए बॉल से रिलेटेड और पेन से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं तो चलिए दोस्तों आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि इस तरह से जो आपको गेंदे दी गई है लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नाइन्थ को हम यहीं स्टॉप करते हैं पहले क्वेश्चन नाइन्थ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन नाइन्थ को सॉल्व करने से पहले हमें एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि है प्रायिकताओं का योग अब दोस्तों इसके लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि जितने भी मान लीजिए कि कोई एक घटना है उसमें जितने भी परिणाम हैं तो सभी परिणामों के आने की जो प्रायिकता होगी टोटल प्रायिकता उन सभी प्रायिकताओं का योग जो होगा दोस्तों मैक्सिमम प्रायिकता एक होती है ये आपको याद रखना है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता जो होती है मैक्सिमम वो कितनी होती है एक होती है जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ना जैसे हम क्या क्या कहते हैं कि ये तो जी हंड्रेड परसेंट चीज़ होगी तो हम क्या कहते हैं हंड्रेड परसेंट का मतलब क्या होता है हमारे वहाँ पर पूरी पूरी जो है वो चीज़ ही हो रही है उसके अलावा कोई नहीं हो रहा है ठीक है तो जैसे हम जैसे हम सिक्का उछालते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिक्का उछाला तो सिक्का उछाला तो हमें पता है कि साठ मान लीजिए कि हम चांस ज़्यादा है हमारे कि साठ प्रतिशत जो है हेड आएगा और चालीस प्रतिशत टहल आएगा तो अगर अब कोई ऐसा कह दे कि जब सिक्का उछाले तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा तो सभी संभावित परिणाम हो गए तो सभी संभावित परिणामों का जो योग है वो कितना बन रहा है साठ और चालीस को जोड़ें तो कितना बन रहा है सौ बन रहा है वैसे ही ये तो हो गए चांसेस की वैसे ही जब हम प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता में आपको एक नया कंसेप्ट हमारे पास है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी एक कॉइन उछाला जाता है तो कॉइन में क्या आता है या तो हेड आता है या फिर टेल आता है तो अब कॉइन को उछालने पर एक घटना हुई है और घटना में दो परिणाम है एक तो हेड आना और एक टेल आना हेड आने की प्रायिकता जो है इसको इस तरह से लिखेंगे कि पी ऑफ हेड यानी हेड आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है आधी होती है और टेल आने की प्रायिकता कितनी होती है दोस्तों ये भी आधी होती है अब हेड आएगा इसको तो हमने लिख दिया कि आधी प्रायिकता है टेल आने की प्रायिकता को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हेड नहीं आने की सिंपल सी बात है कि कि हेड नहीं आया आया तो 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 मतलब टेल आया है। तो टेल है आने को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि प्रायिकता किसकी हेड नहीं आने की ठीक है बिल्कुल सिंपल है कि हेड आए तो एक बटा दो इसकी प्रायिकता होगी तो हेड नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी होगी जितनी टेल आने की प्रायिकता है तो यहाँ पर आधी हो जाएगी तो अब अगर इन दोनों को जोड़ें यानी हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता को जोड़े तो कितनी होती है ये आधी और ये आधी आधी और आधी को अगर हमने जोड़ा तो कितना आ गया आधा और आधा कितना होता है एक होता है तो पूरी घटना जो है उसकी टोटल प्रायिकता कितनी होगी एक होगी ये हमें याद रखना है अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो है पी मतलब टेल आने की प्रायिकता को हम हेड नहीं आने की प्रायिकता भी लिख सकते हैं यानी p हेड और p टेल को क्या लिख सकते हैं बराबर एक है p टेल को क्या लिख सकते हैं p हेड नहीं यानी हेड नहीं आने की प्रायिकता अब हेड नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है कि टेल आएगा ना तो ये और ये तो एक ही चीज है बराबर कितना आता है 1 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर एक फार्मूला बन गया कि किसी भी घटना के होने की और उस यानी कोई घटना हो रही है तो उसमें एक परिणाम के आने की और उसी परिणाम के नहीं आने की प्रायिकता का योग कितना होता है दोस्तों एक होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया कि हेड आने की और हेड नहीं आने की दोनों अगर प्रायिकता ले लें तो क्या होगा या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा तो सभी परिणाम आ गए और सभी परिणाम मिलकर के अब क्या बनाते हैं एक बनाते हैं तो इनके जो है टोटल योग कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो इसी से रिलेटेड जो आपका बुक का एक क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर छठा जो है सिक्स क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है तो यहाँ पर हेड की जगह ये भी कह सकते हैं कि कोई परिणाम है ए उसके होने की प्रायिकता जो भी अगर आपको दी हुई है तो पी ए प्लस ए के नहीं आने की प्रायिकता ए के आने और ए के नहीं आने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है दोस्तों एक होता है और ए के आने की प्रायिकता को हम पी ब्रैकेट में ए से लिखते हैं और ए के नहीं आने की प्रायिकता को पी ब्रैकेट में ए नहीं से लिखते हैं ये चीज़ हमें क्लियर हो गई अब जो क्वेश्चन नंबर छठा जो है आपका वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए वो क्या कहता है यदि ए के आने की प्रायिकता यानी पी ऑफ ए जो है वो कितना दिया है आपको जीरो पॉइंट छ पाँच दिया है तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए अब क्वेश्चन छठा क्या कहता है कि आपके पास ए के आने की प्रायिकता दी गई है जीरो पॉइंट छः पाँच और आपको ए नहीं के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन जो आपका बिल्कुल प्रश्नावली अठारहवीं है उसका छठा क्वेश्चन है ये कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ए के आने की प्रायिकता प्लस ए के नहीं आने की प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है दोस्तों एक होता है तो अब ए के नहीं आने की प्रायिकता को हम इधर ही रखते हैं और इसको हम ये प्लस में है उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा वन माइनस ए आने की प्रायिकता और ए आने की प्रायिकता में दे रखी है कितनी है जीरो पॉइंट छः पाँच तो एक में से जब जीरो पॉइंट छ पाँच घटाएँगे तो हमारे पास कितना आता है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जीरो पॉइंट तीन पाँच आता है तो ये हो जाएगा पी ए नहीं यानी ए के नहीं आने की प्रायिकता इसी को हम ये भी लिख सकते हैं पी ए के ऊपर बार लगा सकते हैं तो इसका मतलब भी ए नहीं ही होता है यानी ए के आने की प्रायिकता जो है उसको एक में से घटा दें तो हमारे पास ए नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी यानी ए नहीं का मतलब है कि ए को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो ए के या तो ए आएगा या फिर ए नहीं आएगा तो ये पूरी घटना ही हो गई तो पूरी घटना जो होती है उसके जितने भी संभावित परिणाम होते हैं उनकी प्रायिकताओं का योग कितना होता है हमें पता है एक होता है इसलिए जो है ए नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी वन में से माइनस कर दें ए के आने की प्रायिकता अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है बहुत ही बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं कि एक में से जब घटाते हैं तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए पी ए प्लस पी ए नहीं बराबर कितना होता है दोस्तों एक होता है और इस पर इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसी के साथ जो है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसको आप सॉल्व कर लीजिए अब हम देखते हैं कि जब एक में से हम जीरो पॉइंट पैंसठ घटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं तो एक को पॉइंट जीरो जीरो ऐसे लगा सकते हैं एक के आगे और इसमें से माइनस करना है हमें ज़ीरो पॉइंट छः पाँच चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं सॉरी यहाँ से जो है हासिल लेते हैं अब हासिल कैसे लेंगे तो हासिल में इसको काटा जीरो यहाँ पर कितना आ जाएगा दस आ जाएगा लेकिन जीरो में से पाँच नहीं जा सकते इसलिए हमें एक और हासिल लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर बच जाएगा नौ और यहाँ पर दस आ जाएगा इस तरह से हासिल लेना आपको बिल्कुल अच्छे से आता है उसी तरीके से अब दस में से पांच गए तो पांच बचते हैं और नौ में से छह गए तो तीन बचते हैं पॉइंट की जगह पॉइंट जीरो में से जीरो जाएं तो जीरो बचते हैं तो जीरो पॉइंट तीन पांच यहां पर जीरो पॉइंट तीन पांच आ गया तो ये चीज आपको क्लियर हो गई अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को सॉल्व करने के लिए हमने ये सब क्यों किया तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए उसने पूछा है कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता तो वहाँ पर तो हम सफ़ेद को जो है व्हाइट से लिखते हैं तो व्हाइट के आने की प्रायिकता निकाल लेंगे वो तो हमें निकालनी आती है अनुकूल परिणाम अपन में कुल संभावित परिणाम फिर वो कहता है कि सफ़ेद गेंद के नहीं आने की प्रायिकता यानी हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है पीडब्ल्यू नहीं की तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे एक में से इसको घटा देंगे ऐसा ही तो करते हैं वन माइनस पी डब्ल्यू घटा देंगे तो वही हमारा फॉर्मूला क्योंकि इन दोनों का योग वन हो रहा था तो जो जुड़ रहा था वो इधर जाके माइनस हो जाएगा तो वन माइनस पी डब्ल्यू कर देंगे तो हमारी जो है सफ़ेद गेंद के नहीं आने की प्रायिकता हम निकालेंगे लेकिन पहले सफ़ेद की गेंद के आने की प्रायिकता तो निकालें तो चलिए अब छठा क्वेश्चन जो, जो है उस सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसान ये चैप्टर है बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़ी सी आपको एक एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखना है है फिर आपका जो कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि कुल गेंदे कितनी है। कुल गेंदे अब पांच लाल गेंदे हैं और तीन सफेद गेंदे हैं तो पांच तो हो गई रेड वाली और तीन हो गई व्हाइट वाली तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों आठ बॉल हो गई तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए कि जब भी थैले में हार डालें तो आठ में से कोई भी आ सकता है तो कुल संभावित परिणाम जो है दोस्तों कितने हो गए आठ हो गए अब हमारे को प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है सफेद गेंद की तो आप लिखेंगे कि निकाली गई बॉल के या निकाली गई गेंद के सफेद होने के अनुकूल परिणाम अब निकाली गई गेंद सफेद हो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं तीन क्योंकि तीन व्हाइट बॉल है तो तीन चांसेस है व्हाइट बॉल के आने के तो ये हो गए तीन यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई तीन हो गई अब हमारे पास अभिष्ट प्रायिकता क्या होती है कौन सी प्रायिकता हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है सफेद होने की यानी हम इसको लिखेंगे वाइट आने की प्रायिकता वाइट आने की प्रायिकता को इस तरह से लिखते हैं जिस किसी की भी प्रायिकता निकालनी हो उसको ब्रैकेट में बंद कर दो और आगे पी लगा दो तो उसकी प्रायिकता बन जाती है तो ऊपर क्या होगा दोस्तों ऊपर हो जाएगा अनुकूल परिणाम और नीचे हो जाएगा कुल संभावित परिणाम तो अनुकूल परिणाम जो है वो कितने हो गए अनुकूल परिणाम तो हो गए तीन और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए आठ हो गए चलिए ये तो समझ आ गया अब पी डब्ल्यू तो ये है दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो क्या है पी डब्ल्यू नहीं और हम जानते हैं क्या कि पी डब्ल्यू और पीडब्ल्यू नहीं का योग कितना होता है एक होता है तो पी डब्ल्यू को हम उधर ले जाते हैं तो पी डब्ल्यू नहीं की वैल्यू क्या आ जाएगी यानी वाइट नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी वन माइनस वाइट आने की प्रायिकता, वाइट आने की प्रायिकता कितनी है तीन बटे आठ चलिए यानी सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी है तीन बटे आठ तो इसमें से माइनस करें तो लघुत्तम ले लिया आठ आठ माइनस तीन तो कितना हो जाएगा पाँच बटे आठ तो ये इसका उत्तर आ गया कि वाइट बॉल नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी पाँच बटे आठ हो जाएगी और वाइट नहीं आ रही तो लाल आ रही है तो लाल मतलब अनुकूल परिणाम पाँच बटे आठ ऐसे भी कर सकते थे लेकिन सफ़ेद नहीं बोला है इसका मतलब हमें पहले सफ़ेद निकालनी है उसके बाद वन में से माइनस कर देंगे तो सफ़ेद नहीं वाला कॉन्सेप्ट हमारा लग जाएगा तो यहां पर दो क्वेश्चन हमने एक साथ क्लियर कर लिए, अच्छे पेन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि, कि किसी कारण बारह खराब पेन और एक सौ बत्तीस अच्छे पेन मिल गए हैं केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है यानी कि अच्छे पेन कितने हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए क्योंकि इनमें जो है कभी कभी बच्चे जो है गलती कर देते दे हैं तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि चौदह पेन जो है वो क्या है खराब है और एक सौ बत्तीस पेन जो है वो क्या है अच्छे हैं तो टोटल पेन कितने हो गए खराब और अच्छे मिलाकर के टोटल कितने हो गए छह चार और एक सौ छियालीस पेन जो है सॉरी 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 बारह पेन खराब दिए हैं इसने बारह पेन खराब दिए हैं तो इनको जब जोड़ेंगे दो और दो चार हो जाएंगे तो एक सौ चुमालीस टोटल पेन हो गए तो अब उसने क्या पूछा है कि अच्छे होने की प्रायिकता यानी अच्छे पेन के होने की प्रायिकता तो अच्छे होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे एक सौ बत्तीस और कुल पेन कितने हैं एक सौ चुमालीस तो ये हो जाएगा इसका आंसर तो आप इसको थोड़ा सा थ्योरी बना करके अच्छे से करेंगे तो ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन जो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर दस किसी कारण पर बारह खराब पेन एक सौ बत्तीस अच्छे पेनों में मिल गए हैं केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है यदि पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये आप इसको निकालेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बारह से काटेंगे तो बारह तो ये ग्यारह बटे बारह जाएगा क्योंकि बारह इंटू ग्यारह जो है इस तरह से आएगा बारह इंटू ग्यारह एक सौ बत्तीस होता है और बारह इंटू बारह एक सौ सो होता है तो बारह से बारह कट जाएंगे ये आपको चीज क्लियर हो गई उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट कंसेप्ट बचता है लीप और अलीप वर्ष का कि आपने देखे हैं तो कि किसी तो वर्ष में फरवरी जो है वो उनतीस दिनों की होती है और किसी वर्ष में जो फरवरी है वो 28 दिनों की होती है उसका कारण क्या होता है वो तो हम भूगोल में पढ़ने वाले हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे कि लीप और अलीप वर्ष में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन क्या क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं तो चलिए दोस्तों अब हम लीप वर्ष और अलीप वर्ष के बारे में पढ़ते हैं कि लीप वर्ष कौन सा होता है और अलीप वर्ष कौन सा होता है तो दोस्तों एक साल ऐसा होता है जिसमें फरवरी में जो है कितने दिन होते हैं फरवरी में अट्ठाईस दिन होते हैं तो उस वर्ष को हम बोलते हैं अलीप वर्ष और एक जो अलीप वर्ष होता है दोस्तों उसमें जो है तीन दिन होते हैं ये आपको याद रखना है और दोस्तों एक साल ऐसा होता है जिसमें फरवरी में जो है उनतीस दिन होते हैं और इसमें जो है पूरे साल में यानी एक वर्ष भर में कितने दिन होते हैं तीन सौ छियासठ दिन होते हैं ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये तो हो गया अलीप वर्ष और ये हो गया दोस्तों लीप वर्ष यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं तीन सौ छियासठ और अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं प्रत्येक तीन अलीप वर्षों के बाद एक लीप वर्ष आता है यानी तीन जो साल आएंगे उसमें 28, अट्ठाईस दिन की फरवरी होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट जो चौथा साल आएगा वहाँ पर जो है जो तीन सौ छियासठ जो है दिन होंगे तो वैसे दो हज़ार सोलह पीछे जो है लीप वर्ष था और अब जो है दो हज़ार बीस जो है वो लीप वर्ष है चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अलीप वर्ष में और लीप वर्ष में कितने हफ्ते होते हैं यानी अगर प्रत्येक दिन की बात की जाए यानी हफ्ते अब एक हफ्ते में क्या होते हैं सात दिन होते हैं तो सातों दिन जो है पूरे हफ्ते यानी पूरे साल में सातों दिन कितनी बार आते हैं यानी कितने हफ्ते होते हैं एक साल में वो हम देखते हैं तो दोस्तों 365 दिनों को अगर हम भाग दे सात से तो हमें पता है कि 7 5 जो है कितने होते हैं 35 होते हैं तो कितने बचे 15 बचे पंद्रह के बाद दोस्तों हमें पता है कि जो है सात दूनी चौदह होते हैं तो चौदह किया तो कितना शेषफल बचता है एक शेषफल बचता है यानी अलिप वर्ष में क्या होते हैं दोस्तों बावन हफ्ते प्लस एक दिन होता है ये आपको ध्यान रखना है कि अलिप वर्ष में बावन हफ्ते और एक दिन होता है और अलिप वर्ष की सॉरी लीप वर्ष की अगर बात करें तो वहां पर बावन हफ्ते अब देखिए इससे एक दिन ज़्यादा है तो यहाँ पर बावन हफ्ते एक दिन है तो यहाँ पर क्या होगा बावन हफ्ते प्लस हमारे पास दो दिन होते हैं तो बावन हफ्ते तो पूरे पूरे होते हैं यानी बावन बार तो प्रत्येक दो जो दिन है वो आएगा ही आएगा यानी बावन से कम संडे किसी भी साल में नहीं आ सकते बावन से कम मंडे नहीं आ सकते बावन से कम ट्यूसडे नहीं आ सकते बावन से कम जो है थर्सडे नहीं आ सकते बावन से कम फ्राइडे नहीं आएंगे बावन से कम सैटरडे नहीं आएंगे तो इसका मतलब बावन बार तो हर एक दिन आएगा ही आएगा अब क्वेश्चन आता है तिरपनवीं बार पर यानी बचता है हमारा एक दिन तो जब ये एक दिन बचा है यानी बावन बार तो आएगा ही आएगा बावन बारों से तो हमें कोई लेना देना नहीं है बावन बार तो हर दिन आएगा फिक्स है ही है अब हमें बात कर है सिर्फ इस एक दिन की तो अब इस एक दिन में दोस्तों कौन कौन से चांसेस हो सकते हैं यानी कुल संभावित परिणाम क्या होंगे इस एक दिन के ये हम देखते हैं तो दोस्तों हो सकता है इस एक दिन में जो है हो सकता है कि संडे आए हो सकता है उस दिन मंडे हो हो सकता है उस दिन ट्यूसडे हो हो सकता है उस दिन थर्सडे हो हो सकता है उस दिन वेडनसडे हो हो सकता है उस दिन फ्राइडे हो और हो सकता है उस दिन सैटरडे हो तो टोटल तो कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं उस एक दिन के सात संभावित परिणाम हो सकते हैं यानी सात संभावित परिणाम हो सकते हैं सात तरह की जो है संभावनाएं बन सकती हैं कि बावन के बाद जो है यानी एक दिन जो है वो तिरपन बार आएगा यानी एक दिन जो त्रेपन बार आएगा और बाकी कितनी बार आएंगे बावन बार आएंगे तो त्रेपन बार जो दिन आएगा वो कौन सा होगा इसकी सात संभावनाएं हो सकता है वो संडे हो हो सकता है मंडे हो सकता है ट्यूसडे हो हो सकता है थर्सडे हो हो सकता है वेडनसडे हो सकता है फ्राइडे हो हो सकता है सैटरडे हो तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बिल्कुल रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार और शनिवार अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें टोटल संभावित परिणाम तो पता लग गए और हमें देखना कब है सिर्फ एक दिन का देखना है क्योंकि बावन बार तो फिक्स है बावन बार तो आएंगे ही आएंगे वो तो सभी सालों के लिए फिक्स है हमें सिर्फ बात किसकी करनी है इस बच्चे हुए एक्स्ट्रा जो एक दिन है उसकी हमने बात करनी है अब दोस्तों ये कहता क्वेश्चन क्या है कि एक अलिप वर्ष में जिसमें तीन दिन होते हैं जिसमें बावन हफ्ते और एक दिन होते हैं उसमें वर्ष में केवल बावन संडे आए अब वर्ष में केवल बावन संडे आए तो बावन बार तो फिक्स है आएगा ही आएगा इसका मतलब क्या है कि जो प्लस में एक दिन बचा उसमें संडे नहीं आना चाहिए उसने क्या पूछा है आपसे कि वर्ष में बावन संडे आने चाहिए इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो वर्ष में बावन संडे तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि बावन बार तो वो आएगा ही आएगा बावन ही आए इसका मतलब क्या है कि जो एक दिन बचा उसमें संडे नहीं आना चाहिए तभी तो बावन होंगे अगर इस दिन संडे आ गया तो फिर तो ये तिरपन हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि ये जो एक दिन है इसमें संडे नहीं आना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे कि इस एक दिन में संडे यानी कि रविवार सिंपल रविवार लिख लेते हैं रविवार न आने के अनुकूल परिणाम अब रविवार न आए तो कौन कौन आ सकता है तो भाई मंडे आ सकता है ट्यूसडे आ सकता है थर्सडे आ सकता है वेडनसडे आ सकता है फ्राइडे आ सकता है सैटरडे आ सकता है यानी कितने हो गए टोटल छः हो गए और टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए दोस्तों सात हो गए तो कुल मिलाकर के वर्ष में बावन रविवार आने की प्रता क्या होगी सिंपल सी बात बावन रविवार आने चाहिए यानी बावन दिन तो ये फिक्स है आएगा ही आएगा बावन ही आने चाहिए यानी इस एक दिन में रविवार नहीं आना चाहिए इस एक दिन में नहीं आने की प्रयक्ता जो है वही क्या होगी बावन रविवार आने की प्रख्ता हो जाएगी तो इस एक दिन में रविवार नहीं आने की प्रयक्ता रविवार नहीं आने के अनुकूल परिणाम छः बटअकुल परिणाम सात तो ये क्या हो जाएंगे वर्ष में बावन रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों ये हो जाएगी छः बटे सात क्योंकि ये प्रायिकता क्या बताती है कि इस एक दिन में रविवार नहीं आएगा इस एक दिन में रविवार अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि बावन ही रविवार आएंगे क्योंकि इस दिन रविवार नहीं आएगा तो कौन कौन आ सकता है मंडे आ सकता है ट्यूजडे आ सकता है थर्सडे आ सकता है वेडनेसडे आ सकता है फ्राइडे आ सकता है सैटरडे आ सकता है तो छः हो गए अनुकूल परिणाम संडे ना आने के यानी बावन संडे आने के अनुकूल परिणाम छः और कुल परिणाम कितने हो गए सात हो गए तो छः बटे सात ये हो गया हमारा आंसर तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा बावन संडे की बात हो रही है बावन तो फिक्स है बावन ही आने चाहिए क्वेश्चन में कहा गया इसका मतलब इस एक दिन में संडे नहीं आएगा अब टोटल इस एक दिन में कितनी संभावनाएं थी सात लेकिन यहाँ पर संडे नहीं आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितनी संभावनाएं बच गई छह तो बावन रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी छ बटे सात यही आपको क्लियर हो गया होगा अब हम चलते हैं अगर हमसे पूछ लिया जाए लीप वर्ष के बारे में तो दोस्तों लीप वर्ष में क्या होते हैं बावन हफ्ते प्लस दो दिन होते हैं और ये दो दिन जो है वो लगातार होते हैं यानी अगर हमने देख लिया कि वहां पर सोमवार आ रहा है तो वहां पर नेक्स्ट जो दिन होगा अगला वो सोमवार और सोमवार नहीं आएंगे सोमवार और फिर अगला दिन आएगा मंगलवार तो इसके लिए जो कुल संभावित परिणाम होंगे वो देखते हैं हम कुल संभावित परिणाम अब बावन हफ्ते तो ही रहे हैं दो दिन के लिए कुल संभावित परिणाम क्या होंगे या तो क्या है सोमवार प्लस मंगलवार आए या फिर क्या है सॉरी रविवार से हम स्टार्ट कर लेते हैं चलिए तो एक तो हो गया कि रविवार व सोमवार आए दूसरा हो सकता है कि सोमवार प्लस मंगलवार आ जाए तीसरा क्या हो सकता है मंगल प्लस बुधवार आ जाए हो सकता है कि बुधवार प्लस वीरवार आ जाए हो सकता है कि वीरवार प्लस शुक्रवार आ जाए हो सकता है शुक्रवार प्लस शनिवार आ जाए हो सकता है शनिवार प्लस जो है रविवार आ जाए क्योंकि अगर पहला दिन सोमवार होगा तो दूसरा दिन सोमवार के बाद मंगलवार ही आता है हमें पता है मंगल होगा तो बुध आएगा बुध हुआ तो बुध के साथ वीर आएगा और वीर हुआ तो उसके साथ शुक्र आएगा शुक्र हुआ तो उसके साथ शनि आएगा और शनि हुआ तो उसके साथ जो है रविवार आएगा तो कुल संभावित परिणाम फिर से देखिए हमारे कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए तो कुल संभावित परिणाम तो हमारे हो गए सात अब क्वेश्चन क्या कहता है तिरपन सोमवार आने चाहिए तो बावन सोमवार तो आएंगे ही आएंगे इन दो दिनों में एक बार सोमवार आने चाहिए क्योंकि दो बार तो आ नहीं सकते एक बार सोमवार आने के अनुकूल परिणाम क्या है तो हम लिखेंगे कि दो दिन में दो दिन में सोमवार आने के अनुकूल परिणाम तो बताइए कि आपको कितने परिणामों में सोमवार दिखाई दे रहे हैं एक तो ये परिणाम है सोमवार वाला और एक ये परिणाम है सोमवार वाला यानी बावन सोमवार तो आएंगे ही आएंगे फिर चाहे ये परिणाम आ जाए चाहे ये परिणाम आ जाए टोटल सोमवार कितने हो जाएंगे त्रेपन सोमवार हो जाएंगे तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों दो हो जाएंगे कौन से या तो रविवार और सोमवार आ जाए या सोमवार और मंगलवार आ जाए तो इसका मतलब जो है क्या कि त्रेपन सोमवार आने की प्रायिकता कि का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं सॉरी बावन का तो कोई लेना देना ही नहीं है बावन तो आएंगे ही आएंगे हमें सिर्फ बात किसकी करनी है दो दिनों की अब इन दो दिनों में हमने देखा कि तिरपन सोमवार आने की प्रायिकता क्या होती है प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे दो और कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे सात तो इसका आंसर हो गया दो बटे सात तो दोस्तों होपफुली लीप वर्ष और अलीप वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर जो है अगर आप सो, ये देखिए इसने क्या कह दिया त्रेपन रवि सॉरी बावन रविवार आने की बात की है इसने अगर तिरपन रविवार आने की बात करता मान लीजिए कि वो कहता कि आपको तिरपन रविवार आना चाहिए इसका मतलब ये जो त्रेपनवा दिन है यानी ये जो एक दिन है वहां पर क्या आता संडे आता और उस दिन संडे आने की संभावना सिर्फ एक रहती तब हम एक बटे साथ आंसर निकालते लेकिन इससे क्या कहा संडे नहीं आना चाहिए इसलिए हमने संडे को छोड़ दिया बाकी कितने परिणाम बचे बाकी में से तो कोई भी आ जाए तो भी क्या होंगे बावन रविवार ही होंगे ना इसलिए संभावना बन गई तो ये आपको क्लियर हो गया होगा चलिए दोस्तों अब हम लास्ट जो एक क्वेश्चन बचता है हमारा प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड वो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा

आपके सामने है कि वो क्या कहते हैं कि सत्रह तक आप संख्याएं लीजिए तो टोटल परिणाम तो कितने हो जाएंगे सत्रह कौन कौन सी संख्याएं होंगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह तक ली है तो एक तो आपको पता है ना तो भाज्य संख्या है और नया अभाज्य संख्या तो इसको तो क्रॉस कर दिया उसके बाद अभाज्य संख्याएँ देखिए एक तो दो है एक तीन है उसके बाद पाँच है उसके बाद सात है ना आठ है ना नौ है ना दस है ग्यारह है उसके बाद तेरह और उसके बाद सीधा सत्रह है तो यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्याएँ काउंट कर लीजिए वो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे तो आप लिखेंगे बाकायदा आपको लिखना होगा अनुकूल परिणाम ये ये है कुल संभावित परिणाम सत्रह तक आप संख्याएं लिख लेंगे उसके बाद आप लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो एक दो तीन चार पाँच छः और सात है तो साठ सात बटे सत्रह जो है इसकी प्रायिकता आ जाएगी तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड तो लीजिए दोस्तों प्रश्नावली अठारह पॉइंट एक जो थी यानी अठारहवीं जो प्रश्नावली थी उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन थे इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी थे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है तो अठारहवीं प्रश्नावली में से अब आपका कुछ भी नहीं बचा है तो अठारहवीं हो चुकी है आपकी कंप्लीट तो चलिए दोस्तों चार मार्क्स का चार नंबरों का काम हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया है आपका काम अब यह रहेगा कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और एग्जाम में इसको अच्छे से करके आए तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर कि आपको प्रायिकता जो है वो अच्छे से समझ आई या नहीं इसके अलावा जो होमवर्क है वो जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग जो है वो सही से जो है तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ एक नई उमंग के साथ तब तक, तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज